जीरो पर आउट होकर भी सचिन के बराबर पहुंचे विराट, शतक न जड़कर भी रोहित ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। जैसे इंग्लैंड से हारकर रोई थी इंडिया, वैसे ही बटलर की आंखों से बहे आंसू, जडेजा की पत्नी का रिएक्शन वायरल, शमी सिराज और बुमराह कुलदीप का कमाल तो देखा, पर रोहित ने गेंदबाजों से क्या कहा वो नहीं सुना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली जीरो पर आउट हुई तो ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए, लेकिन इसी के साथ उनके नाम एक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। वो रिकॉर्ड कौन सा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए टीम इंडिया ने कांटे का टक्कर वाला ये मुकाबला कैसे अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के 3 विकेट 40 रन पर ही गिर चुके थे। रोहित और राहुल ने मिलकर गजब की पारी संभाली, फिर सूर्या ने शानदार 49 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 229 तक पहुंचा दिया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने आक्रामक शुरुआत की, पर बुमराह ने बैक टू बैक 2 विकेट लेकर इंग्लैंड पर ऐसा दबाव डाला कि पूरी टीम बिखर गई। उसके बाद तो शमी ने 3 अहम विकेट चटकाकर मैच लगभग टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। जॉनी बेरस्टो, बेन स्टोक्स और मोइन अली को आउट कर शमी ने रोहित को यह संदेश दिया कि मुझे बाहर रखने का फैसला आपके लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ सवाल ये भी था कि इंग्लैंड की टीम 300 का स्कोर भी आसानी से चेस कर लेती थी तो यहाँ पर बिखर क्यों गई? तो उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को लखनऊ की पिच का मिजाज अच्छी तरह से पता था। बटलर की टीम पिच का मूड नहीं भांप पाई, शुरुआती सफलता से ज्यादा खुश हो गई, नतीजा स्कोर को छोटा समझकर आक्रामक खेला। दूसरा, इंग्लैंड की टीम ने इस वर्ल्ड कप में 5 में से 4 मुकाबले गंवा दिए हैं तो वो इस दबाव में थी कि हर हाल में ये मुकाबला जीतना है, पर टीम इंडिया वो 4 साल पुराने बदले की भावना लेकर दिल में उतरी थी जब इंग्लैंड ने हमें हराया था। तीसरा, बटलर की उम्मीदों पर गेंदबाज तो खरे उतरे लेकिन बल्लेबाज अपना 100% नहीं दे पाए, इसकी वजह उनका आउट ऑफ फॉर्म होना है, कोई भी खिलाड़ी लय में नहीं दिखाई दिया। जबकि टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा ने शानदार 87 रनों की पारी खेलकर ये बता दिया कि पिच कैसी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब 230 का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया तो भी रोहित ने गेंदबाजों को बस एक ही बात कही कि ये नहीं समझना कि इंग्लैंड आउट ऑफ फॉर्म है तो हम आसानी से जीत जाएंगे, आपको वैसी ही गेंदबाजी करनी है जैसे पिछले मैचों में की है। ये मानकर चलिए कि वो एक शानदार टीम है जिसका वक्त खराब चल रहा है, इसीलिए मैच के बीच में भी जब गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ रही थी रोहित तुरंत गुस्सा हो रहे थे। ये तस्वीर 29वें ओवर की है जब रोहित ने जडेजा को समझाकर भेजा और जडेजा ने आते ही पहली गेंद पर क्रिस वोक्स को आउट कर पवेलियन भेज दिया। जब जडेजा ने वोक्स को आउट किया तो जडेजा की पत्नी खड़ी होकर तालियां बजाने लगी, उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे पहले कप्तान रोहित ने 22वें ओवर में चिल्लाते हुए कुलदीप यादव को कहा था कि गेंद स्टंप के बाहर डाल, गड्ढा बना हुआ है, इसका फायदा उठा। इसके अगले ओवर में ही शमी को शानदार सफलता मिली थी जो ये बताता है कि रोहित ने अपने अनुभव से कितनी शानदार और जानदार कप्तानी की है। हर खिलाड़ी को अपने अनुभव का फायदा वो पहुंचा रहे हैं और खिलाड़ी के अनुभव से खुद भी नई बातें सीख रहे हैं। अगर उन्हें कोई खिलाड़ी कुछ कहता है तो गौर से सुनते हैं फिर उस पर अमल करते हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम यहीं से पिछड़ती नजर आ रही है। ना तो बटलर को कोई ऑन फील्ड कुछ बताता है, ना ही बटलर की रणनीति सटीक नजर आती है। नतीजा, वर्ल्ड चैंपियन टीम की हार पर हार हो रही है और टीम इंडिया ने 4 साल पुराना बदला पूरा करने के साथ ही वर्ल्ड कप का अपना विजय अभियान जारी रखा है।